देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर हिंदू युवावाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हिंदू युवावाहिनी के प्रदेश प्रभारी तथा डुमरिया के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी केमल, महानगर संयोजक रामभुआल कुशवाहा, रामपाल सिंह, प्रभारी ऋषि मोहन वर्मा, राजेश सोनकर सहित भारी संख्या में वाहिनी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह तथा प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी केमल ने कहा, आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास हुआ है, उसका पूरा देश स्तब्ध है। हिंदुवानी परिवार भी इस महामानव को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे हिंदुवानी के प्रदेश कार्यालय पे इकट्ठा हुआ है। अटल जी के ही शब्दों में कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, यह उन्होंने तब कहा जब इसकी परिकल्पना भी कोई नहीं कर पाया होगा, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद इतने राज्यों में कमल खिला और भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष की ओर लगातार आगे बढ़ती चली आ रही है। ऐसे में इस महामानव को ऐसी दूरदृष्टा व्यक्ति और ऐसे सफल राजनीतिक जो पूरे देश दुनिया में जिनका लोहा माना गया, एक साधारण परिवार से होने के बावजूद भी एक उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ हुए और पूरे हर दल से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका सम्मान रहा, ऐसे व्यक्ति को हम लोग हिंदुवानी परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन आज अर्पित किया हम लोगों ने। हम सपूत के रूप में नहीं बल्कि आप कह सकते हैं इस युग के एक स्तंभ के रूप में राजनीति की नई परिभाषा तय करने का काम श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है और आज पूरा देश उनके निधन पर स्तब्ध है, दुखी है। एक ऐसा राजनेता जिस राजनेता का किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था, सार्वजनिक स्वीकार्यता थी जिस व्यक्ति की, भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा के रूप में, संस्थापक के रूप में, एक राजनीति को नई दिशा देने वाले व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान इस देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक पुरोधा के रूप में स्थापित रहेगी। हम लोग भी उनकी निधन से, पूरी हिंदू युवा वाहिनी भी दुखी है, जितने भी राष्ट्रवादी संगठन हैं सारे के सारे लोग दुखी हैं। इसलिए हम लोगों ने हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश कार्यालय पर अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ शोक व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि व्यक्त किया है, ईश्वर से प्रार्थना किया है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान।